पाक पीएम का फिर बना मजाक, लोगों ने किए भद्दे कमेंट, भारत से तुलना कर बुरे घिरे इमरान। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसा झूठ बोला है कि दुनिया उन पर हंस रही है। पाकिस्तान वैसे तो विदेशी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी हेकरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच इमरान खान ने दावा किया है कि अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार के मामले में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है और तरक्की के नए आयाम छू रहा है। हालांकि इमरान खान का ये दावा खुद उनके मुल्क पाकिस्तान में किसी को हजम नहीं हो रहा। लोग प्रधानमंत्री से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। पाक पीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत और पाकिस्तान में जनसंख्या घनत्व को समान बताते हुए कहा कि दोनों देशों की प्राकृतिक समानताएं भी एक है, लेकिन भारत ने जो नीतिगत फैसले लिए उससे भारत का क्या अंजाम हो रहा है, भारत से तुलना करके देखिए पाकिस्तान उससे कितना आगे निकल चुका है। चाहिए कॉवर्ड ने, हिंदुस्तान हमारे से कितनी आगे, उनकी ग्रोथ रेट थी, उनकी माइनसेस में ग्रोथ रेट चली गई, उनके लोग हमारे से पता नहीं, कोई फिगर कहता है कि 10 लाख मरे, कोई कहता है 30 लाख मरे, हमारे देखे अल्लाह ने कितना करम किया। तो वो बड़े मुश्किल फैसले किए जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। हमने तब ये फैसला किया कि हमने अपने लोगों को भूखे नहीं मरने देना, और वो जो हमारा फैसला था, अगर मैं वो लॉकडाउन कर जाता, जो 3 महीने मुझे तनकीद की गई कि जी लॉकडाउन करो, आज आप देखते कि मुल्क के अंदर क्या हालात होने थे। कि महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। मैं वो देख रहा था जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है कि महंगाई के ऊपर, बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट के अंदर उसके अपने MPs कह रहे हैं कि इतने गैस पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है, और उसको महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, क्योंकि कमोडिटी सप्लाई लाइन्स इफेक्ट हुई कमोडिटी प्राइसेस ऊपर। और आप बिजनेस कम्युनिटी है, आपको तो पता है कि स्टील किधर से किधर गया, कोयला की कीमत किधर से, गैस की कीमत किधर से किधर गई, जो इंपोर्ट करते हैं यहाँ हम पाम ऑयल, वो दुगने से भी ऊपर चला गया। तो वो हमें फिर उधर से निकल के इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई, और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं अभी भी। सो मुश्किल वक्त था, चैलेंजेस आए, और फिर अफगानिस्तान। आज भारत की विकास दर -7% है और पाकिस्तान की 4%। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि देश के लिए मुश्किल वक्त अब खत्म हो चुका है, लेकिन इमरान भूल गए कि उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान $1 अरब के लोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे पर झोली फैलाए खड़ा है, जिस बात को लेकर भारत सहित पाकिस्तान की जनता ने भी उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। इमरान खान के बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।